हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो किसी भी कम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है ए गांधी जी, बी भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी ताप्ती नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी यमुना नदी। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? हमारा ऑप्शन है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी यूनियन बैंक, सी केनरा बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, हमारा पाँचवा प्रश्न है, किस देश में मोटापा बढ़ाना गैर कानूनी माना जाता है? हमारा ऑप्शन है ए भारत में, बी जापान में, सी अमेरिका में, डी फ्रांस में। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जापान में। दोस्तों, हमारा छठा प्रश्न है, सिक्का जमाना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? हमारा ऑप्शन है ए झूठे आश्वासन देना, बी बहुत सम्मान देना, सी सही व्यवहार करना, डी प्रभाव स्थापित करना। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रभाव स्थापित करना। दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न है, चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी जापान। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है ए कला के, बी सिनेमा के, सी साहित्य के, डी विज्ञान के। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी साहित्य के। दोस्तों, हमारा नौवां प्रश्न है, लाल केला कहाँ पाया जाता है? हमारा ऑप्शन है ए भारत में, बी अफ्रीका में, सी अमेरिका में, डी ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, हमारा दसवां प्रश्न है, खुशबुओं का शहर किस शहर को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है ए कश्मीर को, बी कन्नौज को, सी शिमला को, डी उदयपुर को। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कन्नौज को। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट में लिखना है। हमारा प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों।